माय चैनल, क्या हाल है आप सब के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये कुकिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ये स्पेशली कुकिंग हो रही है मेरे हस्बैंड से, और इनकी कुकिंग बहुत ही निराली होती है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। बहुत ही फास्ट कुकिंग करते हैं, और सबसे बढ़कर फास्ट के अलावा जो टेस्टी होता है ना खाना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मेजरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल हाई फ्लेम पर खाना बनाएंगे, और अभी आप देख भी सकते हैं कि ये बस अपने धुन में जो है अपना खाना बना रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं थे, तो ये इन्होंने मेरे लिए रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये मुझे मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि खाना असल खाने का मज़ा तो वही है जो हाई फ्लेम पर बनाया जाए। कहते तो वो बिल्कुल ठीक है वैसे, क्योंकि नो डाउट इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। ये देखें मज़ेदार कढ़ाई जो है ये बनकर रेडी भी हो गई है, आप लोग भी इंजॉय करें। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं जबल अली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर न करूं, ये हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है, बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे। इतने सारे लोग घूमने आए हुए थे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम लोग घर पर आएं। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने ज़्यादा मेरे व्लॉग्स पसंद भी करते हैं, चाहे मैं कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डालूं, कुछ भी डालूं, बट आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, दिल खुश हो जाता है देखकर, अप्रिसिएशन मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी भी मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे, हम लोग जा रहे थे जबल हफीद, जो बहुत ही जो है क्या किस तरीके से बताऊँ मैं उसको, बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, मतलब बहुत गोलमोल रास्ता है, लेकिन जाकर बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और बात भी करती चलूँ, सबको ही पता है वैसे तो कि ये जो वायरस जो आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस, ये सुनकर बहुत दिल अजीब सा हो गया। हम लोग जो हैं अपने अल्लाह ताला की इबादत में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, और ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि चाइना पर ही अल्लाह का अजाब है। हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं, सबसे बड़े को तो हमें अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए। और जब से मैंने इस चीज़ का सुना है, इस बीमारी का सुना है, इस वायरस का सुना है, तो बहुत ज़्यादा दिल डर सा गया है। मैं क्यों बोलूं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, नहीं, बहुत बार होता है छूट जाती है, नहीं पढ़ पाते बच्चों के चक्कर में कभी क्या, लेकिन क्या ये सब चीज़ें, एक तरफ दुनिया के काम भी चलते रहेंगे, लेकिन हमें सब कामों को पीछे करके अपने अल्लाह ताला की इबादत सबसे पहले रखनी है। जब तक हम अपने अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हम कैसे उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे हर काम बना दे। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो हमारे बड़ा सा बड़ा गुना भी माफ़ कर देता है अगर उसका बंदा सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगे तो। मैं बस दिल से यही दुआ मांगूंगी, अल्लाह पाक हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वायरस से, चाहे वो चाइना के लोग हों, चाहे हम लोग हों, या कोई भी हो, अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। दिल मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वापस घर जाऊं, इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना बिल्कुल बेस्ट प्लेस है ये माशाल्लाह से। ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुंच ही गए थे और पार्किंग ढूंढ रहे थे हम लोग कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू होता है अबू धाबी में पार्किंग का। ये तो खैर हम लोग अलैन गए थे, बट वैसे भी जो है पार्किंग का बहुत इश्यू होता है।
आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कुछ इतना ख़ास तो नहीं था, बट जाहिर सी बात है आप लोगों से शेयर ना करूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। जितना हो सके बस यही कहूँगी मैं, सबको ऑलरेडी पता ही है, मैं कुछ इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, सबको पता है ये वायरस क्या है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। बस बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बस अल्लाह पाक हम सबको जो है इन बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस हम लोग यहाँ पर इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर घर की वापसी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे अपनी बेटी के लिए फर्स्ट क्राई से, मैंने आज तक जो है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैंने आज तक ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगवाया, फिर चाहे वो मेरे ड्रेसेस से रिलेटेड हो या बच्चों के या मेकअप, कुछ भी जो है मैंने कभी नहीं मंगवाया। तो और सबसे बड़ा मुझे फ़र्स्ट क्राई में ना ऑफ़र्स बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने टोटल जो है ये 5 सूट मंगवाए थे, कलर्स भी बहुत प्रिटी हैं। और सबसे बढ़कर जो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी ना, इनका मटेरियल, हाँ बेटा इनका मटेरियल जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं आप लोगों को ये खोलकर भी दिखाती हूँ, ये मुझे कल ही रिसीव हुआ था, तो फिर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं नेक्स्ट टाइम अपने बेटे के लिए भी मंगवाऊँगी। अभी मैं जस्ट चेक कर रही थी कि ये कैसा आता है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस वैसे ही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। अभी ये मैं सेट कर रही थी कि मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। हाँ बेटा, एक मैंने ये मंगवाया था, ये थोड़ा सा पर्पल टाइप कलर है, पिंक पर्पल जो मिक्स होता है ना, ये वो कलर है, और विंटर है तो फुल स्लीव्स और ट्राउज़र वाले मैंने मंगवाए थे। और एक मैंने ये मंगवाया था, ये नाइट सूट मंगवाया था मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा था तो इस वजह से मैं अपने पहले मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो वो कह रहे हैं तुमने मंगवा लिया, पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि कभी भी नहीं मंगवाया था मैंने, फ़र्स्ट टाइम मंगवाया, लोग तो मंगवाते हैं, तो मैंने कहा कि जब मैंने उन्हें दिखाया तो वो भी कहते हैं नो डाउट क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर मंगवाऊँगी। और मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से इसलिए शेयर करूँ कि अगर कोई और भी फर्स्ट क्राई से मंगवाना चाहे तो वो ज़रूर मंगवा सकता है। ये वाला नाइट वेयर तो नहीं है, बट ये कि ये मैंने वैसे ही जो है बाहर आने जाने के लिए लिया था, ये मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा था, लेमन कलर है और शॉकिंग पिंक के साथ है। हाँ बेटा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी ये ड्रेसेस कैसे लगे जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की अपनी बेटी के लिए। और ये जस्ट टॉप था, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था तो मैंने बस देखते ही इसको ऑर्डर कर दिया, और आप यकीन करें कि इसका मटेरियल इतना प्यारा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मैंने सोचा कि जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, अगर आप लोग भी मंगवाना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी ऑफर्स चल रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग जो मैंने अपनी बेटी के लिए की, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को याद रखती हूँ।